सूर्य कुमार यादव भारत के लिए पहली बार कप्तानी करते हैं। अब ये सवाल था कि सूर्य कुमार यादव उस पर कितने खरे उतरेंगे। जी हाँ, लेकिन खरे उतरने की बात छोड़िए, वो तो सीरीज ही जीत चुके हैं। 5 मैचों की T20 सीरीज हो रही थी ऑस्ट्रेलिया से और भारत ने 3-1 से अजेय बढ़त बना ली है। मिडिल ऑर्डर में रिंकू सिंह और जिदेश शर्मा की शानदार बल्लेबाजी और बाद में स्पिनर की सदी हुई बॉलिंग ने भारत को मैच जिता दिया है। और रही बात अक्षर पटेल की, वो रहे हैं मैन ऑफ द मैच। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज के 4th मैच में हरा कर 5 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। भारत ने मैच 20 रनों से जीता है और सीरीज 3-1 की अजेय बढ़त बना ली है। गुवाहाटी में हुए पिछले मैच में टीम ऐसा नहीं कर पाई थी, ऑस्ट्रेलिया ने उसे 5 विकेट से हरा दिया था, लेकिन रायपुर के वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मकसद पूरा हो गया है। मैच में शानदार बॉलिंग के लिए अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। जीत के साथ टीम इंडिया मेंस T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टीम बन गई है। मैच में भारतीय टीम को टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का न्योता मिला। उसने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 175 रन का लक्ष्य रखा। भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल ने टीम को शानदार स्टार्ट दिया। जायसवाल ने 37 रनों की पारी खेली। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ तेज शुरुआत करते हुए 6 ओवर में 50 रन जोड़ डाले, लेकिन इसके बाद जायसवाल आउट हो गए। उनके विकेट के बाद भारत को 2 और झटके लगे। टीम में वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर 8 रन बनाकर आउट हुए। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव स्कोरबोर्ड पर ही सिर्फ 1 रन ही जोड़ सके। भारतीय टीम को इसके बाद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रिंकू सिंह ने संभाला। रिंकू और गायकवाड़ के बीच 48 रनों की साझेदारी हुई। इस साझेदारी से भारतीय टीम को मोमेंट्स मिला। रिंकू ने 46 रनों की शानदार पारी खेली। रिंकू और जितेश शर्मा ने मिलकर 5वें विकेट के लिए 56 रनों की साझेदारी की। जितेश ने 35 रनों को तेज पारी खेली। जितेश के आउट होने के बाद ही भारत ने अपने 5 विकेट सिर्फ 7 रनों के भीतर गंवा दिए। 20 ओवर में भारतीय टीम ने 9 विकेट खोकर 174 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत तो तेज की, लेकिन क्या हुआ, टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत काफ़ी आक्रामक हुई। टीम ने 3 ओवर में ही स्कोरबोर्ड पर 40 रन तान दिए। ट्रेविस हेड ने दीपक चहर के 1 ओवर में 22 रन ठोक डाले। फिर भारतीय टीम को पहला ब्रेक स्पिनर रवि बिश्नोई ने दिलाया। रवि ने जॉस फिलिप को बोल्ड किया। इसके बाद अक्षर पटेल ने वेड हार्डी और मैकमार्ट को पवेलियन भेजकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया। टीम डेविड मैथ्यू शॉट और कप्तान मैथ्यू वेड ने ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन 20 रन कम पड़ गए। डेविड ने 19 रन बनाए। शॉट ने 22 रन की पारी खेली और कप्तान वेड ने 23 गेंदों पर 36 रन बनाए। भारतीय स्पिनर ने सदी हुई बॉलिंग की। रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट लिया। अक्षर पटेल पिक ऑफ द बॉलर्स रहे। उन्होंने 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट चटकाए। तो इसी के साथ भारत ने सीरीज जीत ली, अपने नाम कर लिया है। जो अगला मैच होगा तो उसमें केवल औपचारिकता ही रहेंगी, कौन अच्छा खेलेगा कौन नहीं खेलेगा इस बात पर भी ध्यान होगी, लेकिन भारत ने ये सीरीज अपने नाम कर लिए। सूर्य कुमार यादव की पहली बार की कप्तानी सफल हुई। अगर आपने भी देखा कल का मैच तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।